देहरादून में स्कूलों के खुलने और बंद होने के दौरान सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है। शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने को लेकर एसएसपी देहरादून के निर्देश पर शहर के 21 बड़े स्कूलों को चिन्हित किया गया है। इन स्कूलों के खुलने और बंद करने के समय में फेरबदल किया जाएगा। इसके लिए स्कूलों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है, जिसके बाद इसे स्थायी तौर से लागू किया जाएगा। तो 21 बड़े स्कूलों का समय अब बदला जाएगा। खुलने और बंद होने के समय में यहाँ पर बदलाव किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जाएगा, ताकि जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। तो देहरादून में 21 बड़े स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए लगातार ट्रैफिक जाम की समस्या से लोग जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते 21 बड़े स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा, जहां पर खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया जाएगा। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि स्कूलों को आपत्ति दर्ज करने के लिए 7 दिन का समय भी दिया गया है, और इसके बाद से अगर कोई आपत्ति नहीं आती है तो इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। खुलने और बंद होने के दौरान सड़कों पर जाम की समस्या बनी रहती है, जिसके चलते इससे राहत दिलाने के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया है। जहां शहर में ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देश के अनुसार शहर के 21 बड़े स्कूलों को लिस्ट किया गया, यानी एक लिस्ट बनाई गई है 21 बड़े स्कूलों की, जिनके खुलने और बंद होने के टाइम में बदलाव किया जाएगा, ताकि जाम की समस्या से लोगों को राहत मिल सके। स्कूल के जो छूटने का समय होता है, खासकर उस समय ट्रैफिक व्यवस्था देखा गया कि काफ़ी दिक्कतें आती हैं, खासकर जो पेरेंट्स आते हैं, बच्चे हैं, उनको भी दिक्कत आती है और आमजन को भी आती है, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे क्लस्टर्स हैं, एरिया हैं, जहां पर स्कूल्स ज़्यादा हैं और उनके खुलने और बंद होने का समय भी एक ही है। इसको देखते हुए हमने बीच बीच में इस पर समय में गोष्ठी भी रखी थी, कुछ स्कूल वालों को इन्वाइट करके उनकी ओपिनियन जानी थी। तो अभी इसमें पत्राचार किया गया, कुछ स्कूल जो हमारे क्लस्टर के रूप में, खासकर ईसी रोड हो, सुभाष रोड हो, राजपुर रोड है, नेहरू कॉलोनी, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर 21 ऐसे स्कूल मिले जिनके जो एकदम पास पास भी लोकेटेड है और उनके छूटने का टाइम भी एक ही है। तो उसमें हमने कोशिश करी कि सब स्कूलों में 10 से 15 मिनट का अंतर हो जाए, जिससे कि जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को लेकर चले जाएँ और एक समय में एक साथ ही वहाँ भीड़ ना हो।